अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं सैनलिटी। दोस्तों आज हम बात करेंगे, ये सोनी का 21 इंच का टीवी है, ये इसका बोर्ड है। तो इसमें फॉल्ट क्या है, ये मैंने ऑलरेडी ओपन किया, फॉल्ट भी मैंने ट्रेस कर लिया इसका, ठीक है। तो इसमें फॉल्ट क्या है कि इसका जो आवाज़ आती है लेकिन पिक्चर नहीं आती। जब इस तरह का फॉल्ट होता है तो मोमन ज़्यादातर फॉल्ट जो है वो ABL वोल्टेज का होता है। ABL के अगर वोल्ट नहीं मिलेंगे फ्लाईबैक के ऊपर, ABL के वोल्ट नहीं आएंगे तो आवाज़ आएगी लेकिन पिक्चर नहीं आएगी। लेकिन उसमें एक चीज़ है, अगर ABL के वोल्ट नहीं मिल रहे तो कुछ टीवी में ऐसा होता है कि अगर तुमने केबल उतारी हो, उसकी केबल नहीं लगी, मेन बैक साइड में केबल नहीं है, ऑडियो वीडियो नहीं है, तो उसकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम इसकी केबल इसको इन करेंगे तो इसकी जो पिक्चर है वो चली जाएगी। ये ABL का फॉल्ट होता है। तो कुछ टीवी में ऐसा होता है कि ABL में पिक्चर जब हम इसको उतार लेते हैं केबल को, फिर भी इसकी पिक्चर नहीं आती, स्क्रीन ऑन नहीं होती। तो इस सेट में ABL के वोल्ट भी मिल रहे हैं, ABL के ऊपर वोल्ट 5-6-7-8 वोल्ट मिलने चाहिए, ठीक है। जब ABL के ऊपर वोल्ट मिलते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा सेट जो कि कहीं और पे फॉल्ट है। तो इसमें ABL के ऊपर भी वोल्ट मिल रहे हैं, ABL के ऊपर वोल्ट ऑलरेडी मिल रहे हैं, मैंने आपको पिक्चर जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर के ऊपर ABL के ऊपर भी वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। तो जब ABL के ऊपर भी वोल्ट मिल रहे हैं तो फिर सेट इसकी पिक्चर क्यों नहीं आ रही, आवाज़ आती है लेकिन पिक्चर नहीं आती, ये इसमें फॉल्ट है। सोनी का सेट है तो इसमें फॉल्ट मैंने ट्रेस किया, कहाँ पे ट्रेस किया मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने इसका जो ये IC है, जंगल IC लगा हुआ, ठीक है, ये जंगल IC है। इसमें मोनो फॉल्ट तब आता है जब ये इसका चैनल है, चैनल के साथ अगर जब ये केबल की तार है वो शॉर्ट हो जाए, तो इसके साथ जब ग्राउंड के साथ टच होती है तो मोमन ये सेट जो है, ये जो है वो इस तरह की कंडीशन में आ जाता है कि इसकी जो पिक्चर है वो चली जाती है लेकिन इसकी आवाज़ आती रहती है। तो इसकी अगर हम बैक साइड में देखें तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी इसको यहाँ पे लगे हुए हैं दो डायोड, तीन डायोड होते हैं इसकी, 36, 37 और 38 नंबर पिन के ऊपर डिफरेंट होती है, यानी कि सेम नहीं है, यानी कि ये इसकी 36, 37 नंबर पिन है और इसकी ये 36 नंबर पिन है, यानी कि 37, 38 या 39 भी होते हैं, 35, 36 भी होती है, ये मुख्तलिफ पिन के ऊपर इसके डायोड लगे होते हैं, ठीक है। ये डायोड हैं दो, एक ये डायोड लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है, ठीक है, दो ये डायोड है। तो हमने करना क्या, मैं आपको दूसरी तरफ से भी डायोड जो है वो दिखा देता हूँ, ये डायोड है जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक PF है, PF के साथ एक ये लगा हुआ है, एक ये और इसके साथ एक ये है, ये दो डायोड हैं, ठीक है, ये शीशा डायोड है, ये शीशा डायोड है, एक ये तीसरा ये है। तो इनने करना क्या है कि इन दो डायोड, तीन डायोड को किस इसको ओपन करना है, इनकी जो पॉजिटिव पिन है इसको ओपन कर लेना है। जब हम इसके तीन इसकी जो पॉजिटिव पिन है इसको ओपन कर लेंगे तो हमारा फिर दोबारा सेटअप ऑन करें तो हमारा सेट जो है वो ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है, सेट ठीक हो जाएगा, यानी कि उसकी पिक्चर आ जाएगी। पिक्चर आने के बाद आपने दोबारा इसको स्विच निकालना है और इनको रीसोल्ड कर देना है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इसको किया हुआ है, ठीक है, मैंने ये आप देख सकते हैं, ये मैंने ओपन किया था इसको, ये दो मैंने पिन ओपन की थी, एक ये पिन और एक ये वाले, ये दो पिन को ओपन किया तो सेट जो वो इसको ऑन हो गया, पिक्चर इसकी स्क्रीन आ गई। तो उसके बाद दोबारा इसको रीसोल्ड कर देना है, ठीक है, इसको ऑपरेट करना है, बस ये इसका तरीका है। अगर ABL के वोल्ट मिल रहे हैं तो सेट जो है वो ऑन नहीं हो रहा, ठीक है, इसका जो तस्वीर नहीं आ रही, आवाज़ आती है लेकिन पिक्चर नहीं आती, ये स्क्रीन ऑन नहीं होती, तो ये फॉल्ट होता है सोनी का, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सोनी में फॉल्ट होता है, जंगल IC के साथ 36, 37, 38 नंबर डिफरेंट पिनों के ऊपर ये लगे होते हैं शीशा डायोड है,
वो डायोड ऑन, आपने उनके डायोड को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जब इस सेट को ऑन करना है, सेट को ऑन करने के बाद दोबारा इसको उनको रीसोल्ड कर देना है, यानी कि प्रेट करना है आपने, तो इसके बाद आपका सेट जो है वो ऑन हो जाएगा। तो मैं अभी आपको निकाल स्विच ऑन करके दिखाते हैं। ये लग सेट हमारा ओके। तो पहले ऐसे होता था, इसकी आवाज आती थी लेकिन स्क्रीन ऑन नहीं होती। तो अभी जब उसको डायोड को ओपन किया तो हमारा सेट बिल्कुल ओके हो गया। यानी कि अगर ABL के वोल्ट मिल रहे हैं तब, अगर इस तरह की कंडीशन में ज़्यादातर फॉल्ट जो है वो ABL का भी आता है। ABL के वोल्ट नहीं मिलेंगे तब भी यही कंडीशन होगी।